हेलो सभी बच्चों को एक बार नमस्कार। बच्चों, आप लोगों ने हमसे कई बार पूछा था कि मैम बताइए कि हम लोग OMR शीट में कैसे भरेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि बच्चों OMR शीट को हम कैसे भर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम आप लोग को वही बताएंगे। ये आपकी OMR शीट है, देख लीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है, बट आपके रियल वाले जो पेपर में रहती है वो रेड कलर की रहती है, ठीक है। ग्रुप में शायद प्रांजल जी ने शेयर किया था, आप देख लीजिएगा, सेम वैसे ही आप लोग को मिलेगी। और इस तरफ भी रहेगी बच्चों, इस तरफ तो मान लीजिए इधर ब्लैंक है, बट उधर उस तरफ भी बनी रहती है। मेन इंपॉर्टेंट बच्चों यही है, यहीं पे भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उधर तो कुछ खास भरना नहीं रहता, नाम और सिग्नेचर करना रहता है। इधर बच्चों बताएंगे कि आप लोग को भरा कैसे जाता है। ये हमारे पास एक बुकलेट है, इसी बुकलेट से बच्चों आप लोग को बताएंगे। आपको पेपर में कुछ सेम इसी प्रकार का बिल्कुल से जैसे यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग को बुकलेट मिलने वाला है। बच्चों रहेगा क्या कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ सील रहेगा बच्चों। क्या रहेगा? सील रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये रहेगा सील, लेकिन जानते हैं तो ये रियल वाला बुकलेट तो है नहीं, तो सील वगैरह है नहीं इसमें। तो यहाँ पे आप लोगों को तीन तरफ से खिली लगी मिलेगी, और यहाँ पे आप लोगों का तीन तरफ से बच्चों से सील भी रहता है, ठीक है। बट सेम इसी के तरीके आप लोग को मिलेगा। तो बच्चों बात है कि आज इसे हम लोग फिल कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आप लोग को बताते हैं। पहले बच्चों देख लीजिए, बिल्कुल सेम इसी के जैसे आप लोग को मिलने वाले। यहाँ देखिए अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आप लोग को भरना है बच्चों। यहाँ मुख्य प्रश्न पुस्तिका, अभी बच्चों दिखाते हैं, देखिए आप ये देखिए बुकलेट नंबर बच्चों। यहाँ देखिए ये बुकलेट नंबर है 2020 और 11-0, ये आपका बुकलेट नंबर है। और कोड जे है, इसे आप लोगों का कोई मतलब नहीं बच्चों। ये इसलिए लिखा रहता है कि जब आप लोग पेपर देने जाएंगे ना, तो आंसर शीट जो OMR शीट मिलेगी उसमें भी यहाँ ऐसे जे लिखा रहेगा। अगर ये दोनों मिल रहे हैं तभी आप भरिए, अगर नहीं मिल रहे हैं बच्चों तो टीचर से कह के अपनी बुकलेट को चेंज करवा लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ कोड दिया रहता है ताकि मिल सके, ठीक है। और ये रही आपका क्रमांक जो कि यहाँ अभी हम भरेंगे। और यहाँ पे बच्चों देखिए दो चीज़ें हैं, यहाँ कह रहा है कि फिल बी मतलब टू बी फिल्ड बाई द कैंडिडेट। बच्चों कैंडिडेट का मतलब परीक्षार्थी, जो बच्चे पेपर देने जाएंगे उन्हें यहाँ पे भरना पड़ेगा। यहाँ है कि टू बी फिल्ड बाई इन्विगेटर। बच्चों यहाँ पे जिस टीचर की उस रूम में, जिस रूम में आप रहेंगे ड्यूटी लगी होगी बच्चों, जिसकी गाइड होगी वहाँ पे, वो इन सारे बॉक्स को फिल करेगा। यहाँ से बच्चों देखिए यहाँ बॉर्डर खींचा गया है ना, तो इस तरफ वाले बॉक्स को टीचर भरते हैं, इस तरफ वाले बॉक्स को बच्चे यानी कैंडिडेट फिल करेगा, इस तरफ वाले का इन्विगेटर फिल करेगा। बाकी ये आंसर सारे तो आप लोग को ही फिल करना है। इधर देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे स्टैम्प लगेगा, जिस स्कूल में आप पेपर देने जाएंगे वो वहाँ पे लाके स्टैम्प बच्चों लगाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर, दोनों जगह पे कैंडिडेट की ही बच्चों यहाँ पे सिग्नेचर होगी। यहाँ पे रनिंग हैंड कह रहा है, बट आप लोगों ने जैसा एडमिट कार्ड में हिंदी में किया होगा तो हिंदी में करिएगा, इंग्लिश में किया होगा तो दोनों जगह आराम से लिख दीजिएगा। तो बच्चों इतनी बात बता दिया है। अब बात करते हैं कि भरेंगे कैसे। आप लोगों को बच्चों विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो गोला है, इस गोले को हमें बच्चों पूरी तरीके से क्या करना है, ब्लैक करना है। जैसे कि देखिए निर्देश में आप लोग को वहाँ बच्चों दिखा हुआ मिल जाएगा। तीसरा ही निर्देश आपका रहेगा कि आप लोगों को कुछ यू फिल करना है बच्चों, ये नहीं कि केवल ए को मून दिया, बाकी पूरे गोले बच्चों हम लोग को ब्लैक करना रहेगा। और आप बॉल पॉइंट की या तो ब्लू पेन लीजिएगा तो ब्लैक पेन लीजिएगा, पारस वगैरह की नहीं ले जाइएगा, ठीक है। देख लीजिए बॉल पॉइंट ही आप लोग को खरीदनी है। यही पेन 10 रुपए की एक आती है, दो ले लीजिएगा, एक ब्लू ले लीजिएगा, एक ब्लैक ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी देखिए इसे इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप इसकी निब बच्चों देखेंगे, तो देखिए इसकी जो निब है ना बच्चों वो बहुत मोटी है, तो आसानी से जल्दी से भरा भी जाता है बच्चों, और साथ ही साथ OMR शीट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। नहीं तो तीन पेन लेके जाएंगे, इसे भरते भरते छेद हो जाएगा, तो पता लग फट गई हो मार्कशीट। तो चलिए फिलहाल तो अभी आप लोग को भर के बच्चों दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर कह रहा है, मैंने प्राची जी से उनका एडमिट कार्ड मांगा था, तो उसमें बच्चों उनका रोल नंबर यहाँ पे देखिए भरना है। रोल नंबर पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे भरेंगे। देखिए कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्राची जी का रोल नंबर तो 7 है, 1 2 3 4 5, ये बच्चों एक बॉक्स यहाँ है जो देखिए आप देख रहे हैं ना, ये कट गया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 7 अंक का रोल नंबर रहेगा, 7 बॉक्स आप लोगों को दिया है। चलिए सबसे पहले बच्चों आप लोग ये जो ऊपर बॉक्स है ना बच्चों, इसमें जो वाकई में आपका रोल नंबर होगा, जो डिजिट में लिखा होगा वही लिखते हैं बच्चों। प्राची जी ने बताया था 33,
ये वाले चार का प्रयोग करिएगा, ठीक है, वो वाले चार का मत प्रयोग करिएगा। 45048 ये रूल नंबर बच्चों, ऐसे फिल कर दिया। अब देखिए ये तीन है ना, तो देखिए पहला देखिए आप लोग को इधर देख लीजिए, उधर सफा नहीं दिख रहा होगा, देखिए पहले भी क्या है, जीरो है, फिर एक, फिर दो, फिर तीन है ना बच्चों। तो देखिए 0 1 2 3 आप इस गोले को बच्चों पूरी अच्छी तरीके से क्या कर दीजिएगा, ब्लैक कर दीजिएगा। फिलहाल बच्चों ये आपको ही भरना है, कैंडिडेट के द्वारा फिल हो। आप देखिए फिर बच्चों तीन ही हैं तो फिर तीन को ही ब्लैक करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से, जितना बड़ा गोला है उतना बड़ा बच्चों हम लोग इसे ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या है, चार है, तो ये रहा हमारा चार बच्चों, तो अब हम लोग चार पे ब्लैक करेंगे। ये देखिए हो गया ब्लैक। उसके बाद देखिए ये पाँच रहा, अब बच्चों पाँच कहाँ, ये है, तो आप पाँच पे ब्लैक कर दीजिए, ये हो गया। उसके बाद देखिए जीरो है, तो जीरो ये आपको ऊपर ही दिख रहा है, तो ऊपर ही ब्लैक कर दीजिए। और हाँ बच्चों लाइन मिलाते जाइएगा, इसी में है तो इसी में भर, नहीं पता लग, जीरो यहाँ लिखा और जीरो यहाँ ब्लैक कर दे, तो बच्चों एक लाइन में दो दो ब्लैक चलेगा नहीं, ठीक है, कि अभी यहाँ पाँच भी भर दिया, यहाँ जीरो भी भर दीजिए, तो गलत माना जाता है बच्चों। उसके बाद ये चार है, ऐसे सीधे लाइए, चार देखिए कहाँ, यहाँ ना, तो इस लाइन में बच्चों चार हम लोग ब्लैक करेंगे, ब्लैक कर दिया। फिर देखिए ये आठ है और ये रहा आठ इसी लाइन में, तो यहाँ कर दीजिए। तो ये बच्चे हो गया, रूल नंबर भरा चुका है। अब बच्चों आते हैं हम लोग अपनी प्रश्न पुस्तिका पे आते हैं। यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका कोड देखिए बच्चों क्या है, 20 20 11 0। चलिए पहले यहाँ भर देते हैं 20 20 11 0। अब फिर बच्चों ब्लैक करेंगे, तो देखिए 20 यानी दो पहले है, तो दो कहाँ दिख रहा है इस लाइन में, ये है, तो इसे ब्लैक करिए। फिर उसके बाद जीरो है, तो जीरो पे ब्लैक करिए। फिर क्या है बच्चों दो, तो फिर दो पे ब्लैक करिए। फिर जीरो है, तो फिर जीरो पे ब्लैक करिए। एक है, तो एक पे ब्लैक करिए। फिर एक है, एक पे ब्लैक करिए। देख रहे हैं बच्चों कितना कायदे से करना है आप लोग को, बिल्कुल एकदम अच्छे से करना है, ठीक है, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए और गोले के बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये जीरो है, तो यहाँ भी हम लोग जीरो पे कर दे रहे हैं। बहुत सावधानी पूर्वक करना है, बिल्कुल एकदम मतलब कॉन्सेंट्रेट करके करिएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ कह रहा है अनुक्रमांक, प्रश्न पुत्रिका, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेंटर, ये सब सारी चीज़ें बच्चों वहाँ टीचर भरते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैंने आप लोग को बताया था कि टीचर से कहिएगा कि टीचर आप मेरी पेन से, अगर वो बॉल पॉइंट पेन लिए होंगे बच्चों ये वाली, तो भरने दीजिएगा, अन्यथा रेड पेन यहाँ मत चलाने दीजिएगा, ठीक है, मना कर दीजिएगा उन्हें और अपनी पेन दे दीजिएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ फिर वही रूल नंबर भराएगा जो यहाँ भरा है, लेकिन ये टीचर भरेगा, तो चलिए मान लेते हम भी इसे भर दे रहे हैं, ठीक है, वही रूल नंबर बच्चों। आप लोग एडमिट कार्ड जो निकला है, बस टीचर एडमिट कार्ड लेगा आपको इतना चेक करने के लिए, यही चीज़ें भरने के लिए टीचर आपसे एडमिट कार्ड मांगेगा। उसके बाद चलिए पहले तीन पे ब्लैक करेंगे, और उनसे कहिएगा मैम थोड़ा सावधानी से गोले के बाहर ना जाए, नहीं तो इतना कहिएगा ना कि आप ये ऊपर ऊपर वाला भर दीजिए, ब्लैक हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे कोचिंग के बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो यही करते हैं, उनसे कहते हैं मैम आप ऊपर वाला भर दीजिए, ब्लैक हम कर लेंगे। चलिए अब फोर पे ब्लैक कर देते हैं, फिर बच्चों फिफ्थ पे ब्लैक कर देते हैं, फिर जीरो पे, फिर बच्चों चार पे, फिर आठ पे, देखिए इतना हो गया। फिर वही प्रश्न पुत्रिका नंबर बच्चों यहाँ पे फिल करना है, कितना है 20 20 11 0 ना, तो देखिए दो पे ब्लैक कर रहे हैं, फिर यहाँ बच्चों जीरो पे ब्लैक करेंगे। ध्यान रहे जो मैंने बताया है कि जिस लाइन में है उसी लाइन के सीधे में ब्लैक करना है, दो, तो ये रही, ये रहा दो। उसके बाद बच्चों जीरो है, तो यहाँ जीरो पे ब्लैक करेंगे। एक है, तो बच्चों एक पे ब्लैक करिए, इधर भी एक है, देखिए थोड़ा बाहर चला गया, बट जाना नहीं चाहिए था, इसीलिए कहते हैं बच्चों पेपर के एक महीने प्रैक्टिस, एक महीने पहले से ही बुकलेट भरने, मतलब ये ओएमआर सीट भरने की प्रैक्टिस जारी करते रहने। उसके बाद देखिए स्टेट कोड, तो प्राची जी का स्टेट कोड है 32 बच्चों, कितना है 32 है। उनका डिस्ट्रिक्ट कोड है 08,
ब्लॉक कोड 02 और सेंटर कोड 01 है, ये सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में लिखी गई। तो चलिए तीन कहाँ है बच्चों, ये रहा, तो यहाँ पे ब्लैंक कर रहे हैं। उसके बाद दो है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या है, जीरो है, तो पहले जीरो पे ब्लैंक करिए, आठ है तो आठ पे ब्लैंक कर दे रहे हैं, फिर देखिए जीरो जीरो पे ब्लैक कर रहे हैं, फिर दो पे ब्लैक कर रहे हैं। सही हो रहा है ना बच्चों? हाँ, चलिए फिर जीरो पे ब्लैक कर रहे हैं, फिर एक पे। तो ये प्राची जी के जिन्होंने जितनी सारी चीज़ें दी थी वो हो चुका है फिल बच्चों, बस इतना ही होगा। उसके बाद इधर आप लोग को भी बच्चों पीछे कुछ चीज़, यहाँ आपको अपना नेम, फादर्स नेम वगैरह भरना रहता है बस, ठीक है। इतनी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई बच्चों, तो अब थोड़ा सा आगे आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पे जैसे देखिए लिखा हुआ है मुख्य पुस्तिका कोड है, क्या है बच्चों, ए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जे, यानी आप इसका उत्तर इसमें नहीं भर सकते हैं। अगर बच्चों कोड नहीं मिल रहा होता है तो आप नहीं भर सकते हैं, बट क्या करें, हमारे पास तो इसका तो है नहीं ना, तो इसी में हम लोग भर लेते हैं। लेकिन आपके वहाँ ऐसा नहीं, अलग अलग नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आप मना कर दीजिएगा टीचर से, मैम देख लीजिए इन बुकलेट नंबर और OMR शीट का नंबर मिल नहीं रहा है। चलिए बच्चों अब आप लोगों को क्वेश्चंस भरना सिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम लोग खोलते हैं, यहाँ देखिए, जैसे कि आप बताइए पहले का उत्तर क्या होगा बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। बताना हमें पहले का उत्तर इन चारों ऑप्शंस में से कौन होगा। चलिए बता दीजिए फटाफट, सभी बच्चे बता दिए कि इसका उत्तर बच्चों राइट कौन सा होगा। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा ना, एक का क्या होगा बच्चों, सी, ये रहा एक और ये रहा सी बच्चों, तो सी पे ब्लैंक करिए, बहुत कायदे से हो गया ब्लैक ना बच्चों, देखिए एकदम पूरा मिल रहा है। चलिए अब दो नंबर का उत्तर बताइए बच्चों, दर्पण नीचे है, बताइए कौन सा होगा। डी होगा ना बच्चों, डी उत्तर होगा, डी, तो देखिए दो दो का क्या लगा दे रहे हैं, डी लगा दे रहे हैं। ऐसे बच्चों सावधानी से, पहले तो फिलहाल आप लोग ऐसे नहीं करिएगा, ठीक है। पेपर में जब देने जाइएगा ना, तो अगर पहले का डी हो रहा है तो डी लगा दीजिए, दूसरे का सी हो रहा है तो सी लगा दीजिए, पहले बुकलेट में भर लीजिएगा, फिर उसके बाद बारी 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 देख के अपना भर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ सी का उत्तर क्या होगा बच्चों, सी होगा, सी का उत्तर क्या होगा, सी होगा, तो चलिए तीन का सी भर देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि अगर थ्री का आप भर रहे हैं तो इसी के सीधे में हमें भरना है। अब देखिए फोर का बच्चों भरना है, तो बताइए फोर का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो बच्चों जो फोर का होगा वो डी होगा, क्या होगा, डी, तो ये रहा फोर, इसके सामने देखिए ये रहा डी, ठीक है, ये डी है, तो यहाँ भरेंगे, ये देखिए भरा उठा ना बच्चों, भरा गया। ये सब पेन आप लोग की बुक आंसर शीट में OMR शीट में बच्चों चलनी नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए चले इधर आते हैं, अब इधर बताइए पांचवें नंबर का उत्तर क्या होगा बच्चों, पांचवें नंबर का उत्तर भी सी होगा, ठीक है, पांचवें नंबर का उत्तर क्या होगा, सी, तो ये देखिए पांच, इसके सीधे पे यही है सी, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए छठे का नंबर का उत्तर बताइए बच्चों, छठे नंबर का उत्तर बताइए डी होगा, क्या होगा बच्चों, डी होगा ना, तो छठे का डी भर देते हैं। देखिए ये रहा छठा नंबर और ये रहा इसके सीधे पे डी। उसके बाद देखिए सातवां नंबर बताइए आप लोग, पहला ही होगा, तो सात का बच्चों पहला ही भर दे रहे हैं, ये बच्चों कंप्लीट हो गए। उसके बाद आठ का देख लीजिए, आठ का सी होगा तो आठ का सी भर दीजिए, बिल्कुल बच्चों एकदम कायदे से, देखिए कितना अच्छे से, थोड़ा भी बाहर नहीं हो रहा है ना, ऐसे ही आप लोगों को भी भरना पड़ेगा। दस तक बच्चों भरेंगे क्या पूरा, आपको हंड्रेड तक करके दिखाएंगे। उसके बाद देखिए ABCD में बच्चों कौन सा सही है, ये सही है बी, बी ना, बी, तो नौ का बच्चों ये रहा नौ के सामने वाला बी यहाँ है, तो यहाँ भरिए, ब्लैक करिए, कर दिया ना पूरा ब्लैक, देखिए हो गया। अब देखिए दस का बच्चों जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दस का बच्चों सी होगा, तो दस का सी भरते हैं, दस का क्या होगा बच्चों, सी होगा। उसके बाद देखिए ग्यारह का क्या होगा बच्चों, AMIB, ग्यारह का बच्चों,
ग्यारह का डी होगा बच्चों, क्या होगा डी होगा, यहाँ ग्यारह के सामने वाले डी पे देखिए ब्लैक हो रहा है। उसके बाद देखिए बारह का क्या होगा बच्चों, बारह का सी होगा, तो बारह के सी पे ब्लैक कर दीजिए। देखिए बारह के सामने वाले सी पे ही ब्लैक कर रहे हैं, ग्यारह वाले पे तो नहीं कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही आप लोग को ध्यान दे के बच्चों सब पूरा 80 तक यहाँ फिल कर देना है बच्चों। जब एकदम एकदम आराम से बच्चों करिएगा, कहीं भी बाहर नहीं जाए, देखिए जितना आराम से हम कर रहे थे। उसके बाद बच्चों करने के बाद यहाँ अपनी, जैसे कि हम यहाँ मान लीजिए ना, हिंदी में अगर आपने सिग्नेचर किया था रजिस्ट्रेशन कराते वक्त, तो हिंदी में ही लिखिएगा और जो लिखा था उसके साथ लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ भी अपना ही नाम लिखना है तो लिख दीजिए, लिख दिया ना बच्चों, तो बस बात ख़त्म हो गई। यहाँ पे वो चपरासी आएगा, स्टाम्प पेपर लगाएगा ही, बस बच्चों इतने में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए सारी चीज़ों को फिल कैसे करना, आई होप आप लोग को समझ आया होगा जो बच्चों। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम। बच्चों मिलेंगे 12 बजे की लाइव क्लास में।